हेलो फ्रेंड्स, जो ग्रामर को बहुत ध्यान से सीखते हैं उनका मन करता है कि एक एक बारीकी मुझे पता चले। सो बार बार वो ग्रामर की प्रैक्टिस करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं बोलने की बजाय। तो बोलने की भी प्रैक्टिस करनी है, बोलने की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो डेली हमारे स्टाम्पटिश जो डेली 12 से 1 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से स्टार्ट होता है, लाइव हम लोग मिलते हैं, आप लोग भी फ्री आ सकते हैं। खैर, अभी बात करते हैं हम लोग ग्रामर की। ग्रामर में कई कई इंटरेस्टिंग बातें पता चलती हैं आपको। ग्रामर में हम लोग जैसे वर्ब से नाउन बना लेते हैं, नाउन से वर्ब बना लेते हैं, ये चीज़ आपने देखी होगी, नोटिस की होगी। वर्ब से एडजेक्टिव भी बना सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पे आइंस और पे स्वाई की, मतलब पे आइंस किसको बोलते हैं, जैसे आता हुआ आदमी, जाता हुआ, खाता हुआ लड़का, नाचता हुआ बच्चा, ये सब नाचता हुआ, नाचते हुए आ रहा है, इस तरह की चीजें जो आप करते हो वो सब पे आइंस है। देखो, इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि आपको पहले से ही पता है वर्ब, तो वर्ब जितनी भी है वो सब एज ए एडजेक्टिव काम में आ सकती हैं। स्पीलन, कोखन, माखन, लाखन, वाइनन, ये सारी वर्ब है। आप किसी भी वर्ब के साथ अगर डी लगा देते हो तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। हर एक वर्ब अपने आप में नाउन है, अगर उसको कैपिटल लिख दो तो उसका आर्टिकल दास होता है। ये चीज तो अपन ने A1 में भी देखी थी, राइट? A1 की वीडियोस में आपने समझा होगा, राइट, किस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। ये आर्टिकल की रूल्स में भी हमने इसको सीखा था। तो हर एक वर्ब डी लगते ही एडजेक्टिव बन जाती है। प्रेजेंट की वर्ब प्रेजेंट की फॉर्म है, तो जैसे स्पीलन का स्पीलेंड, ये एडजेक्टिव बनी है अभी, डी के बिना तो ये वर्ब थी लेकिन डी लगते ही ये एडजेक्टिव बन गई। बाद में अगर कोई नाउन आता है, फॉर एग्जांपल किंड आता है, तो उसमें एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव एंडिंग और लगेगी। वो एडजेक्टिव एंडिंग में आपने सीखा होगा कैसे लगाते हैं, तो जैसे किंड का आर्टिकल होता है दास किंड, तो स्पीलेंडस किंड, इसका मतलब वो बच्चा जो खेल रहा है, खेलता हुआ बच्चा। अगर मान लो वर्ब है तानसन और तानसन के भी डी लगा दिया, तो तानसन तो वर्ब थी, डी लगते ही ये एडजेक्टिव बन गया। अब इसके बाद में क्या आ रहा है नाउन, उसके हिसाब से एंडिंग लगती है। तो फ्राउ का दी फ्राउ होता है, तो तानसन डे फ्राउ। मन, लाउफन वर्ब से लाउफेंड एडजेक्टिव बन गया और वो एंडिंग है, तो लाउफेंडर मन, लाउफेंडर मन, लफंडर नहीं, लाउफेंडर। मान लो कोई तेज तेज चल रहा हो वो। सो ऐसे ही माखेंडस, कोखेंडस, वाइनेंडस बेबी के कॉन्टेक्स्ट में है। तो यहां पे कोखन, कोखन वर्ब के डी लगा, एडजेक्टिव बन गया कोखेंड, और फिर आई, आई का मतलब अंडा, एग। सो इश विल कोखेंडस आई एसन। अब आपको आई बोलना था यहां पे, लेकिन उबलता हुआ अंडा, उबला हुआ नहीं, उबलता हुआ, जो अभी उबल रहा है, उबला हुआ मत समझ जाना इसको, वो अलग चीज है। सो इश विल कोखेंडस आई एसन, उबलते उबलते, मेरे को तो उबलते उबलते ही दे दो। अच्छा, ये हुआ पे आइंस, इसको पे आइंस बोलते हैं जर्मन ग्रामर की भाषा में। पे आइंस मतलब वर्ब को डी लगा के एडजेक्टिव बनाना और वर्तमान की बात करना, नाचते हुए, गाते हुए, खाते हुए, सोते हुए, उड़ते हुए, राइट, उड़ता हुआ पक्षी, तो उड़ना तो होता है फ्लीगन, पक्षी को बोलते हैं फोगल, डेर फोगल। सो फ्लीगेंडर फोगल नोमिनेटिव में, अगर ये एक्यूजेटिव डेटिव का केस है तो उस हिसाब से एंडिंग लग जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं पेज स्वाई की। ये था पे आइंस। पेज स्वाई में, पेज स्वाई तो आप ऑलरेडी जानते हो, इस हावेदास की कॉक्ट, ये सब पेज स्वाई तो है, लेकिन पेज स्वाई फॉर्म को एज ए एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं जर्मन लैंग्वेज में। यस, इसमें उबलता हुआ अंडा है और पेज स्वाई यूज कर लिया तो वो उबला हुआ अंडा हो गया। पढ़ा लिखा आदमी, तो पढ़ा लिखा मतलब वो तो पढ़ चुका है, एक तो पढ़ता हुआ आदमी, एक पढ़ा लिखा, वो तो पढ़ा लिखा गंवर है, नहीं सॉरी, तो पढ़ा लिखा है मतलब पढ़ा लिखा है तो पढ़ चुका है वो। सो
जैसे ये स्पीलन था जिससे एडजेक्टिव बनाया, तो हमने इसको पेयाइंस बोला, और स्पीलन से पेत्स्वाई पहले से ही आप यूज करते हो, गिस्पिल्ट, कोखन का गिकोक्ट, माखन का गिमाक्ट, लाखन का गिलाक्ट, वाइनन का गेवाइंड, ये सब अपने आप में एज ए एडजेक्टिव यूज हो सकते हैं, होते हैं। हो सकते क्या है, हमको सीखना है, बाकी तो जनता कर ही रही है इनको यूज। सो गिस्पिल्टस किंड का मतलब है वो बच्चा जो खेल चुका हुआ है, मतलब खेला हुआ है, जो खेल चुका। दो तरह के बच्चे बैठे हैं यहां पे, इधर वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी खेल चुके हैं, मतलब जिनका नंबर आ चुका खेलने में, और इधर वो बच्चे हैं जो एक के बाद एक अब खेल रहे हैं। सो ये खेले हुए बच्चे हैं, वो अभी खेल रहे हैं। तो गिस्पिल्टस का मतलब जो खेल चुका है। इस जे है आईने गीतांस्टफ्राउ, वो तो नाची हुई है, पहले से ही नाच चुकी है, और ये दूसरी अभी नाच रही है। इस विल गिकोक्टस आई एसन, गिकोक्ट का मतलब ही आपको पता चल जाता है काम हो चुका है। सो गिकोक्टस आई एसन, मैं एक उबला हुआ अंडा खाना चाहता हूं, उबला हुआ जो ऑलरेडी उबल चुका है। सो फ्रेंड्स, आप इस तरह के सेंटेंस बनाओ, आपको मजा आएगा, और कॉन्सेप्ट भी तभी समझ में आता है जब हम बनाते हैं। दुनिया को तो आता है, तो कोई भी वीडियो को आप फिल्म की तरह देख के नमस्ते मत कर देना और बता दोगे कि बहुत बढ़िया सिखाया सर, सर ने सिखाया, आपको आया कि नहीं वो है इम्पोर्टेंट। सो आप जब भी इस तरह के ग्रामर के टॉपिक लो, आपके हाथ में पेन और पेपर होना चाहिए, और तुरंत ही एक आध सेंटेंस स्वाहा उसी के नीचे, वीडियो के नीचे आप डाल दोगे, तो मुझे भी पता चलेगा कि भाई इन्होंने ये सेंटेंस बनाया है। डांकी शोन फ्रॉइंड है, विश नेक्स्ट स्माल।